नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि नए एपिसोड्स टेलीविजन पर शूट नहीं हो रहे हैं और आ भी नहीं रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में जो है ये माना जा रहा है कि जो पुराने रीडर्स हैं उन्हीं को बैठ करके देखना है। हम भी अभी हाल फिलहाल में बैठ गए देखने के लिए कपिल शर्मा शो, और वहाँ पर जो है हमें देखने के लिए मिले अक्षय कुमार। ये रीरन हो रहा था उनके एक पुराने वीडियो का, और वहाँ पे हमें बड़ा अच्छा लगा देख करके कि जब बार बार कपिल शर्मा जो है सवाल कर रहे थे अक्षय कुमार से कि उनकी कमाई कितनी है, तो अक्षय एक झूठ मूठ का उखड़ सा गए और उन्होंने पूछा कि भाई पहले तुम अपनी कमाई बताओ दर्शकों को, और तुम और तुम्हारी टीम ने पूरे चैनल का पैसा चूस लिया है। अक्षय कुमार की ये बात सुनकर कपिल सारे दर्शकों समेत हंसने लगे थे, और इसके बाद कपिल ने अक्षय पर इल्ज़ाम लगाते हुए पूछा कि भाई सारे जाने माले सेलेब्स जो हैं वो होली, ईद, अन्य त्योहारों पर रिलीज़ करते हैं फिल्में, लेकिन आप फिल्में क्यों नहीं रिलीज़ करते हैं उस समय, क्या आपका कैलेंडर ख़राब है? इस पर जो है अक्षय कुमार ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन मेरा कोई भी जो है फिल्म रिलीज़ करती है मेरी, वही दिन जो है मेरे लिए एक त्यौहार का दिन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ कि उनके लिए बन जाता है बल्कि उनके लाखों करोड़ों फैंस के लिए भी वही दिन त्यौहार का दिन होता है जिस दिन अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज़ करती है। हाँ, आज आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपकी फेवरेट अक्षय कुमार की फिल्म कौन सी है, और हम जो है कोशिश करेंगे कि उस फिल्म को रिव्यू करें यहाँ पर चैनल पर, और ये एक अच्छी पहल होगी मेरे ख्याल से। आप चैनल सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा भाई। धन्यवाद।